नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया आईसीएस के इंडिया सेंटर नासिक से। सब्जियां हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हम सभी जानते हैं। और सब्जियों का अलग अलग टेस्ट दे करके हम हर रोज खाने में अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं और बड़े मजे से हम आनंद लेते हैं उनका। सब्जियां हेल्थ के लिए अच्छी है और उसको सही तरीके से खाना वो बहुत जरूरी है। अगर उसको गलत तरीके से खाया गया तो हेल्थ के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। सब्जियों का उपयोग करके आज हम ऐसी नई वेरायटी बनाने वाले है जो एकदम हेल्थी टेस्टी व झट से तैयार बनने हो जाएगी। थंबनेल देखकर कि आपको पता चली गया है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जो सच में सबको फैलाना चाहिए, आज हम वैसा रायता बनाना सीखेंगे। तो आइए आज हम बनाते हैं वेजिटेबल रायता। वेजिटेबल रायता बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी पहले हम देख लेते हैं। ये 2 केला और 1 आधा कप काजू लेकर के इनका ग्रेवी तैयार कर लिया है। इनमें चुटकी भर नमक और 3-4 बूंदे नींबू का डालकर के पेस्ट तैयार किया हुआ है। ये सब जो सब्जियां है वो बारीक कटिंग कर ली है। उसमें है ककड़ी का, प्याज, टमाटर, तुरई, गाजर, लौकी, बीट, गिलका, टिंडा, हरा धनिया, अदरक मिर्ची की पेस्ट और ये है मूंगफली का पाउडर। और मसाले में नमक, काली मिर्च पाउडर, काला तिल और धनिया जीरा पाउडर। इतनी सामग्री लेकर के हम बनाते हैं वेजिटेबल रायता। अभी हम रायता बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने जो ग्रेवी तैयार की है वो बाउल में हम रख देंगे। अभी हम इनमें सब्जी ऐड कर देते हैं, कुकुम्बर यानी कि ककड़ी। प्याज आपको चाहिए तो लीजिए, आप खाते हैं तो, वरना इनको छोड़ सकते। टमाटर, तोरई, टिंडा, लौकी, गिलका, गाजर, हरा धनिया, थोड़ा मूंगफली पाउडर 1-2 चम्मच, मिर्ची में निकली हुई है, अदरक। अभी हम मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर, काला नमक हल्का सा, नमक, धनिया जीरा पाउडर, ये सबको अभी हमें मिक्स कर लेना है। बिना दही का भी हम रायता बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दही के साथ ही रायता बने तो ही रायता बनेगा। और जो सब्जी मैंने बहुत सारी ली है, आपको जरूरी नहीं है कि सब सब्जी जितनी मैंने ली है आपको उतनी ही लेनी है। आप जो सब्जी नहीं खाते हैं वो छोड़ सकते हैं। जो सब्जी आपके पास है आपको पता है कि इसमें अच्छी लगेगी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपनी सूझबूझ के साथ आप ये रायता बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए ये रायता अभी बन करके रेडी हो गया है। अब इनको दूसरे बाउल में हम सर्व करेंगे, उनके लिए हम तैयारी करेंगे। अभी इनको हम सजा लेते हैं। बीटरूट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ऊपर रख देते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमने इसमें सब्जी पकाई नहीं है, सब्जी कच्ची है, तो उसके जो भी पोषक तत्व है वैसे के वैसे रहे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जरूर एक बार घर पर ट्राई कीजिए और बना करके देखिए कैसा बनता है। आप बच्चों को भी टिफिन में भी दे सकते हैं, घर पर भी आप बना सकते हैं, घर वालों को लोगों को भी आप खिला सकते हैं। अभी हम शहद से इनको अभी ये बन करके रेडी है। अब हेल्दी खाना खाएंगे ना तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा और खाने में तृप्ति भी मिलेगी। इसे हेल्दी खाना खाने से पूर्णतया स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पूर्णतया स्वास्थ्य प्राप्ति यानी कि सिर्फ शारीरिक ही स्वास्थ्य नहीं, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हमें इनसे मिलता है। शरीर में जो भी रोग होते हैं ना वो तो जाते हैं, और स्वास्थ्य अच्छा है तो टिकाई रहता है और मन की शांति भी मिलती है क्योंकि हम तामसिक खाना नहीं खा रहे। और दूसरा है आध्यात्मिक, यानी कि अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो ऐसा हल्का खाने से हमारा मेडिटेशन अच्छा लगता है, मेडिटेशन में हमें अच्छा फील होता है, यानी हमें एनर्जी फील होती है। तो एक खाना खाने से ऐसा बहुत अच्छा फायदा होता है। घर के लोगों को भी आप ऐसा खाना खिलाएंगे तो उसमें भी आपका स्वभाव में भी परिवर्तन आपको समझ में आएगा क्योंकि वो अच्छा और सेहत के लिए अच्छा है वो खाना खा रहे हैं, तो उनको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, उसको गुस्सा कम हो जाएगा, ऐसा सब उनका लाभ आपको दिख सकता है। तो ऐसे हेल्दी खाना खाओ और आप घर के लोगों को भी ऐसा हेल्दी खाना खिलाओ। आप घर पे ऐसा रायता बना करके एक बार ट्राई कीजिए, आप खुद भी खाइए और घर वाले को भी खिलाइए। आपको कैसा लगा ये रायता हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम वैसे जो विचार अच्छे नहीं हो या कुछ ऐसे ही विचार रखे गए हो यूट्यूब के ऊपर या चैनल के ऊपर ऐसे, तो उनको ऐसे ही मजाक या जोक के जो मैसेज रहते हैं वो तो हम बहुत फॉरवर्ड करते हैं। जो नहीं फैलाना चाहिए वो हम फैलाते हैं, और जिनको सही में हमको लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना चाहिए वैसा मैसेज और वैसे वीडियो हम बहुत कम, जैसे कि पैसा देना हो ना वैसे हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, सोच समझ करके करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को नहीं शेयर करते हैं। तो जो ऐसे अच्छे वीडियो रहते हैं जो सबके हेल्थ के लिए अच्छा है, जब सबको स्वास्थ्य देने वाला है, वैसे वीडियो को आप अनेकों लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये हमारी आपको विनती है। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और आगे के वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।